दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो को थंबनेल पर देखा कि अगर आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको फ्री में 250 रुपीज का गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाएगा। गिफ्ट वाउचर आप चाहे तो स्विगी का ले सकते हैं या फिर जोमेटो को ले सकते हैं या फिर अमेजन का ले सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट का ले सकते हैं या फिर विजय सेल्स का ले सकते हैं या फिर क्रोमा का ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, जो भी ब्रांड आप यूज करते हैं उस ब्रांड का गिफ्ट वाउचर आप ले सकते हैं। दोस्तों कैसे आपको फ्री में गिफ्ट वाउचर मिलेगा आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमेशा तरह एक ही बात कहूंगा, अगर आप किसी भी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप ये मालूम कर पाएंगे कि आपके पास किन किन बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड ऑफर है और अगर आपको ऑफर मिलता है तो इजीली वहां से आप कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के दो बेनिफिट है। पहला तो बेनिफिट ये कि इसमें आपको कोई इनकम डॉक्यूमेंट देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और सेकंड ये कि इसमें क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन डिक्लाइन होने के ना के बराबर चांसेस है। इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो कंप्लीट देखने के बाद 2 मिनट का टाइम निकाल के आप अपना ऑफर जरूर चेक करें और अगर आपको ऑफर मिलता है तो वहां से आप क्रेडिट कार्ड जरूर अप्लाई करें। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरीके से आप फ्री में 250 रुपीज का गिफ्ट वाउचर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपका नया एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड इशू होता है उस दिन से लेकर अगले 30 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं तो दोस्तों एक्टिवेशन बेनिफिट में आपको 250 रुपीज का गिफ्ट वाउचर आपको मिल जाता है। अगर आपका भी एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लास्ट के 2 से 3 महीने के अंदर ही इशू हुआ है और आपने अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर लिया और आप अपने क्रेडिट कार्ड को रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपके पास भी कुछ इस तरीके से मैसेज आपको जरूर आया हुआ है एचडीएफसी बैंक की ओर से। दोस्तों अगर आपके पास भी एचडीएफसी बैंक की ओर से कुछ इस तरीके का मैसेज आपको मिल चुका है तो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इस वाउचर कोड को रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एचडीएफसी बैंक की ओर से एक मैसेज आया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस, यू हैव क्वालिफाइड फॉर द एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन ऑफर फॉर May 2023। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एक लॉगिन कोड भी दिया गया है जिसके थ्रू मुझे इसमें लॉगिन करना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें एक एक्सपायरी डेट भी लिखी है यानी कि मुझे 20 सितंबर 2023 से पहले इसे यूज में लेना होगा। आपके पास भी कुछ इस तरीके का मैसेज आपको मिला होगा अगर आपने भी क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी का एक्टिवेट कर लिया था, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड को कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके का मैसेज आपको मिला होगा और यहां पर उसमें आपको यूआरएल एक मिला होगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इस लॉगिन कोड को आपको लिख के रख लेना है, उसके बाद लिंक पर क्लिक करना है, इसके बाद ओपन पर क्लिक करने के बाद आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। जब आप यूआरएल पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर आप देखने निकालेगा एंटर कोड। तो सबसे पहले आपको उस लॉगिन कोड को जो मैंने अभी आपको बताया था उस लॉगिन कोड को यहां पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद एंटर मोबाइल नंबर पर यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है जो आपका एचडीएफसी बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट है, आपका मोबाइल नंबर उसे यहां पर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा 4 डिजिट का, उस ओटीपी को यहां पर आपको एंटर कर देना है और सबमिट वाले बटन पर आपको कर देना है क्लिक। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक ओटीपी आ चुका है तो मैंने ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद मैं सबमिट वाले बटन पर कर देता हूँ क्लिक। जैसे आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपका जो ओटीपी वो वैलिडेट हो जाएगा और आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है कि आप जो वाउचर लेने वाले हैं वो किस ब्रांड के वाउचर आप लेने वाले हैं। आप चाहे तो जोमेटो को ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो स्विगी का भी ले सकते हैं या फिर चाहे तो अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट का या फिर क्रोमा का, ऐसे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों इसमें विजय सेल्स भी है, क्रोमा भी है, अमेजोन भी है, ब्लिंकिट भी है, फ्लिपकार्ट भी है, स्विगी भी है, मोर भी है, ओला भी है, अवोल फार्मेसी भी है, रेमोंड भी, पुमा, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो भी वाउचर आप लेना चाहते हैं उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यानी कि रिडीम पर आपको क्लिक करना है। तो मान लीजिए मैं अमेजोन का लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर रिडीम पर क्लिक कर दिया अमेजोन वाले पे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर वन आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर सेलेक्ट लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और वन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट यहाँ पर आपको टिक करना है, इसके बाद आपको प्रोसीड पर कर देना है क्लिक। जैसे आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और कुछ सेकंड के अंदर ही आपके पास मैसेज आ जाएगा और उसमें आपको जो गिफ्ट वाउचर कोड है वो आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास एक मैसेज आ चुका है और इसमें मेरे को जो वाउचर कोड है वो दे दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं किस तरीके से आपको इसे रिडीम करना है। आपको अमेजोन पे जो बैलेंस है उसमें आपको किस तरीके से अपने बैलेंस को इसे ऐड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अब अमेजोन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, मैंने अपने अमेजोन अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अमेजोन पे पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी मोबाइल स्क्रीन में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपकी मोबाइल स्क्रीन में लिखा हुआ आ जाएगा ऐड ए गिफ्ट कार्ड। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपली आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें दिखा रहे हैं गिफ्ट कार्ड कोड, यहाँ पर आपको जो आपको गिफ्ट कोड आपको मिला है मैसेज में उसे आपको यहाँ पर एंटर कर देना है या फिर आपने कॉपी किया तो उसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। दोस्तों जैसे ही आप ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली आपके अमेजोन पे बैलेंस में अमाउंट ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मेरे अमेजोन पे बैलेंस में अप टू 50 रुपीज़ का अमाउंट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो इस तरीके से आप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड की वेलकम बेनिफिट में इस तरीके से आप वेलकम वाउचर आप पा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।